नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या सवालों के घेरे में है। वहीं इसी बीच एक और बात सामने आ रही है कि उनके डिप्रेशन का कारण उनके पास काम ना होना था। इस बात में कितनी सच्चाई है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने बांद्रा वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के पीछे डिप्रेशन को वजह बताया जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में अभी कुछ संदिग्ध मामला सामने नहीं आया। एक बात और की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास काम नहीं था। हालांकि 5 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके साथ वो जुड़े हुए थे। आइए आपको बताते हैं। पहला, दिल बेचारा। हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का हिंदी रिमेक बन रहा है। दिल बेचारा नाम की इस फिल्म को मुकेश छाबड़ा ने निर्देशित किया है। इसके साथ वो बतौर निर्देशक डेब्यू भी करने जा रहे हैं। फिल्म बीच में फंस गई थी, लेकिन अब खबर आ रही थी कि जल्द ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है। दूसरा, राइफलमैन। इंडो चाइना वॉर के हीरो रहे राइफलमैन जसवंत सिंह की कहानी पर फिल्म बनने की बात सामने आई थी। फिल्म की घोषणा भी की गई थी, एक टीजर भी रिलीज हुआ था। हालांकि इसके बाद कोई भी डिटेल सामने नहीं आई। तीसरा, इमर्जेंस। फिल्म मेकर आनंद गांधी भी सुशांत सिंह को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद अपनी फिल्म इमर्जेंस के लिए सुशांत को अप्रोच किया था। माना जा रहा था कि सुशांत इसके लिए तैयार हो गए थे। कुछ दिनों पहले ही सुशांत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आनंद गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया था। चौथा, पानी। सुशांत का नाम एक और फिल्म के साथ जुड़ रहा था। ये फिल्म थी शेखर कपूर की पानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को रिप्लेस किया था। हालांकि इसके बारे में ज्यादा अपडेट सामने नहीं आए थे। पांचवा, वेब सीरीज। खबरों के माने तो सुशांत डिजिटल डेब्यू करने वाले थे। साल 2018 में एक कंटेंट जनरेट करने वाली कंपनी के साथ जुड़े थे। इसके जरिए वो एक वेब सीरीज बना रहे थे। इसमें अलग अलग बुद्धिजीवी की बायोग्राफिकल सीरीज बनने की खबर थी। इनके अलावा चंदा मामा दूर के और तकदुम जैसी फिल्मों के साथ भी सुशांत का नाम जुड़ा था। हालांकि कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई थी।